नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 22 जनवरी 2023, दिन है रविवार। हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, भारत में जूतों के लिए आने वाला है नया कानून, 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। देश में अब चमड़े और गैर चमड़े से बने जूतों और चप्पलों के लिए नया कानून आने जा रहा है। इसके तहत सरकार घटिया क्वालिटी के जूता चप्पल के आयात पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी। वह नया नियम जुलाई से यहाँ पर लागू होगा, जिसमें चमड़ा और गैर चमड़ा वाले जूता और चप्पल के लिए गुणवत्ता के मानक जो है वो तय किए जाएंगे। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार का ये कदम जो है दोयम दर्जे के उत्पादों को आयात को रोकना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये जो कदम है वो उठा रही है। वही बेहतर गुणवत्ता और ज्यादा उत्पादन के लिए यहाँ पर भारतीय मानक ब्यूरो जो है BIS, उसका पालन यहाँ पर करना होता है। इससे उपभोक्ताओं को भी यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं। वही उन्होंने उद्योग जगत से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा हिस्सेदारी पाने के लिए गुणवत्ता पर ध्यान देना यानी गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए कहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों को तोहफा देगी मोदी सरकार, PM किसान योजना में अब 6 नहीं मिलेंगे पूरे 8,000। बजट पेश होने में कुछ ही दिनों का समय बाकी है, इस बार सरकार जो है बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल 2024 के आम चुनावों से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में सरकार जो है PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना सरकार कर सकती है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृषि मंत्रालय की ओर से बजट में इस योजना को बेहतर बनाने की सिफारिश यहाँ पर की गई है। वही प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस योजना के पक्ष में है। वही इस योजना का सरकार को सीधा यहाँ पर राजनीतिक लाभ भी होता है, क्योंकि ये किसान सम्मान निधि योजना देश के यहाँ पर हजारों किसानों तक जो राशि जो है वो सीधे किसानों के खाते तक पहुँचती है। वही सूत्रों ने बताया है कि सरकार इस योजना की यहाँ पर साल में मिलने वाली 3 किस्तों को बढ़ाकर 4 किस्तें कर सकती है। बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। अभी किसानों को साल में 3 बार 2,000 रुपए की किस्त यहाँ पर भेजी जाती है। वह किस्त की संख्या 4 करने पर किसानों को मिलने वाली जो राशि है वो 8,000 रुपए सालाना हो जाएगी, यानी लाभार्थी किसानों को अब सीधे 2,000 रुपए का फायदा यहाँ पर होगा। वही बीते साल आम बजट 2022 में भी PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की रकम को बढ़ाने की मांग जोरों शोरों पर उठी थी, लेकिन तब सरकार ने कोरोना महामारी के दौर से देश की अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए अन्य उत्पादों पर यहाँ पर अन्य उपायों पर जो जोर है वो दिया था। लेकिन बीते 1 साल में यहाँ पर कृषि क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री की कीमतों में इजाफा हुआ है। वही किसानों को खाद, बीज और उर्वरक, कीटनाशक और कृषि यंत्र आदि खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है और इनके दाम यहाँ पर बढ़ चुके हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसानों की मदद के लिए सरकार इस योजना को बेहतर तरीके से पेश करना चाहती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है भार OS, नहीं चलेगी अब टेक कंपनियों की मनमानी, यूजर्स को मिलेगी फुल प्राइवेसी। IIT मद्रास ने फर्म जेंट के ऑपरेशंस ने यहाँ पर एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐलान यहाँ पर किया है। IIT मद्रास के फर्म ने एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐलान किया है। ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम भार OS है। वही फर्म का कहना है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स की प्राइवेसी पर फोकस यहाँ पर किया गया है। ऐसे यूजर जो ज़्यादा प्राइवेसी चाहते हैं वो इसे चुन सकते हैं। इसे कमर्शियल हेडसेट्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम नो डिफॉल्ट एप्स के साथ यहाँ पर आता है, यानी इसमें यूजर्स को कोई भी यहाँ पर डिफॉल्ट ऐप यूज करने के लिए नहीं मिलेगी, यानी कोई ऐप इसमें डिफॉल्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। वह यूजर्स अपनी मर्जी से ऐप्स को डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है। वैसे यूजर्स को अपने यहाँ पर डेटा पर ज़्यादा जो कंट्रोल है वो मिलेगा। वही भार OS में यूजर्स को प्राइवेट ऐप स्टोर्स का एक्सेस भी है वो मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यूजर्स अपनी मर्जी से ऐप्स को किसी भी प्राइवेट स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। वही फर्म ने यहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर किए हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर बेस्ड है। वही दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाले डिवाइसेस की तरह जो भार OS है वो भी यहाँ पर OTA को अपडेट यहाँ पर इसमें मिलेगा, यानी भार OS को भी यहाँ पर OTA अपडेट मिलेगा। फिलहाल ये सर्विस जो है उन बिजनेसेस के लिए उपलब्ध है जो ज़्यादा प्राइवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड चाहते हैं। वही IIT मद्रास इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि भार OS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज़्यादा फ्रीडम और कंट्रोल और फ्लेक्सीबिलिटी जो है वो देता है।
बात करते हैं अगली खबर की, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को दिया है नया आदेश, अब ग्राहकों को सीधा मिलेगा ये फायदा। वित्त मंत्रालय की तरफ से किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर लगातार फोकस किया जा रहा है, इसी को लेकर अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बैंकों से देश के पिछड़े जिलों में लोन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने का निर्देश जो है वो दिया गया है। वही मंत्रालय की तरफ से बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक की मौजूदगी जरूर हो। इसका मकसद किसानों को आसानी से लोन मुहैया कराना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इससे पहले सरकार की तरफ से देश के हर किसान को यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का निर्देश भी है जो है वो दिया गया था। बात करते हैं अगली खबर की, तो बुजुर्गों ने पीएम मोदी से की है मांग, बजट में सीनियर सिटीजन को मिले ये छूट। 1 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार संसद में नए साल का बजट पेश करने जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर आम बजट से लोगों को बड़ी उम्मीद है। यहाँ पर इस संबंध में बुजुर्गों ने भी यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी से आम बजट में सीनियर सिटीजन को राहत देने की मांग की है। दरअसल वरिष्ठ नागरिकों ने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आम बजट में सीनियर सिटीजन के लिए रेल किराए में मिलने वाले छूट को बहाल करने की मांग यहाँ पर की है। वही दिल्ली एनसीआर में स्थित मानव सेवा समिति के वरिष्ठ नागरिक सेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ट्वीट करने के अलावा पत्र भेजकर इस साल केंद्रीय बजट में सीनियर सिटीजन को पहले से मिलती आ रही रेल किराए में छूट को बहाल करने का घोषणा करने की गुहार जो है यहाँ पर लगाई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो एयरटेल के ग्राहकों के लिए बुरी खबर, देखिए बढ़ सकते हैं मोबाइल प्रीपेड प्लान के दाम। एयरटेल यूजर्स के लिए एक बुरी खबर है, अगर आप भी एयरटेल के ग्राहक एयरटेल की सिम यूज करते हैं तो आपको झटका लग सकता है। दरअसल एयरटेल के प्रीपेड प्लान की कीमतों में जल्द जो है बढ़ोतरी हो सकती है। वही कंपनी लंबे समय से कीमतों को बढ़ाना चाह रही है। वही मनी कंट्रोल से बातचीत करते हुए एयरटेल के सीईओ सुनील मित्तल उन्होंने यहाँ पर कहा है कि एवरेज रेवेन्यू फॉर यूजर्स यानी ARPU को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति माह करने की जरूरत है। ऐसे में प्रीपेड प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका यहाँ पर यूजर्स जो है वो कर रहे हैं। वही सुनील मित्तल का कहना है कि अगर कंपनियां ARPU को बढ़ाकर 300 रुपये महीना कर दे तो ग्राहक की जो परेशानी है, ग्राहक को परेशानी यहाँ पर इसको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूजर्स हर महीने 60 GB डेटा इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है कि एयरटेल के अलावा बाकी कंपनियां भी दाम नहीं बढ़ाना चाहती है। एयरटेल के अलावा वोडाफोन आइडिया यानी वी भी अपने प्रीपेड प्लान्स के दाम बढ़ाना चाहती है। वही वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पर प्रीपेड प्लान्स के दाम बढ़ाकर अपने नुकसान को कम करना चाहती है, उन्होंने ये बात कही है। वही एयरटेल की 5G सर्विस अब कुछ शहरों में शुरू हो चुकी है। मोबाइल डेटा के मामले में 5G नेटवर्क को आपको यहाँ पर 4G नेटवर्क से डबल स्पीड यहाँ पर देगा। भाई वीडियो और फिल्में अब सेकंडों में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। भाई 4G में ग्राहक यहाँ पर अधिकतम 100 Mbps की स्पीड मिलती है, लेकिन 5G में 10 GB तक की जो स्पीड है वो जा सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप का यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, देखिए एक नहीं दो नए फीचर लाएगी कंपनी, कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करना होगा आसान। व्हाट्सएप ने कई ऐसे फीचर है जो यूजर्स को स्पेसिफिक कंटेंट के साथ शेयर किए जाने वाली जानकारी को शेयर करने से रोकते हैं। इसके अलावा ऐप यूजर्स को ये भी कंट्रोल करने की इजाज़त देती है कि उनके स्टेटस अपडेट प्रोफाइल डिटेल्स को कौन कौन देख सकता है। साथ ही यूजर्स को ये भी यूजर्स ये भी देख सकता है कि उनके द्वारा शेयर किए गए मैसेज को किसी ने पढ़ा है या किसी ने नहीं। इतना ही नहीं, यूजर्स अपने किसी भी कॉन्टेंट को ब्लॉक इसमें यहाँ पर कर सकता है। इस सब के बीच जानकारी ये मिली है कि कंपनी ऐप में कॉन्टेंट को ब्लॉक करने के लिए एक नया और बेहतर फीचर पर काम कर रही है। दरअसल वहाँ बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप अपने ऐप में किसी कॉन्टेंट को ब्लॉक करने के लिए 2 नए तरीकों को जोड़ने पर काम कर रहा है। अब तक यूजर्स को किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए चैट ऑप्शन को खोलने के बाद में पर्सनल चैट में जाकर उसे नाम टैप करने के बाद उसे यहाँ पर ब्लॉक करने का जो सिस्टम जो है दिया होता था, लेकिन अब डायरेक्ट यहाँ पर ब्लॉक कर सकता है। दरअसल नया जो सॉफ्टवेयर आ रहा है, नया जो अपडेट आ रहा है, उसमें यहाँ पर इस तरह का जो फंक्शन है वो दिया जाएगा। उसमें सबसे पहले चैट लिस्ट में किसी भी को ब्लॉक करने का जो यहाँ पर ब्लॉक करने का विकल्प यहाँ प्रदान करेगा। दरअसल ब्लॉक साइट ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि इसे यूजर्स को बिना चैट खोले ही किसी भी कॉन्टैक्ट को यहाँ पर ब्लॉक यहाँ पर करने का जो मतलब ब्लॉक जो है वो कर सकेंगे। वही अगर कोई यूजर्स अननोन नंबर से अगर मैसेज प्राप्त करता है तो ऐसे मामलों में भी यूजर्स चैट ओपन किए बिना ही ब्लॉक यहाँ पर कर सकेंगे। वही ब्लॉक साइट का कहना है कि कंपनी ने कुछ सिलेक्टेड बीटा यूजर्स के लिए इस सुविधा को यहाँ पर शुरू कर दिया है यानी इसको सुविधा को यहाँ पर शुरू कर दिया है। वही व्हाट्सएप का जो नया अपडेट आ रहा है उसमें ये जो नया फीचर है वो आएगा।
इसलिए अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि मतलब सभी के लिए ये प्राप्त होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले ही जो iOS यूजर्स है उनके लिए जो नया फीचर है वो आएगा। इस के बीच यहाँ पर व्हाट्सअप एक नया और फीचर यहाँ पर लाने वाला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो है वॉइस नोट्स के बारे में है, नया फीचर जो ये है उसमें आप जो स्टोरीज है उसमें आप वॉइस नोट्स को भी यहाँ पर स्टोरी में लगा सकते हैं, यानी ऑडियो भी आप स्टोरी में लगा सकते हैं। ये दो नए फीचर व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो नया घर बनवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, सरियों के दाम में लगी है आग, हफ्ते भर में हुआ है इतना महंगा। नए साल में अपने सपनों का आशियाना तैयार करने का प्लान बनाने वाले लोगों को तगड़ा झटका लगा। दरअसल हाउस कंस्ट्रक्शन में अहम सरिया के दामों में बढ़ोतरी होने लगी है जिससे आम लोगों का जेब का खर्च बढ़ रहा है। वही कानपुर से लेकर मुंबई तक इसकी कीमतों में आग लगी हुई है। 12 से 19 जनवरी 2023 यानी महज एक हफ्ते में ही यहाँ पर कीमतों में बड़ा अंतर आ चुका है, इसमें कमी आने की अभी उम्मीद नहीं दिख रही है। वही आज के महंगाई के दौर में जब यहाँ पर खाने पीने का सामान ही लोगों की पहुँच से दूर होता जा रहा है, वही अपने सपनों का आशा तैयार करना लोगों के लिए महंगा सौदा साबित हो जा रहा है। वही जमीन खरीदने से लेकर इस पर घर बनवाने पर मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है, ऐसे में लोग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को यहाँ पर कम करने के आस में बिल्डिंग मटेरियल के दाम घटने का इंतजार करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका ये जो इंतजार है उन्हें फायदा पहुंचाए। वहीं बीते साल 2022 के आखिर में अपना प्लान टालकर नए साल का इंतजार करने वाले लोगों को यहाँ पर नए साल में नया घर बनवाने के लोगों को कुछ उनके साथ ऐसा ही हुआ है। दरअसल नवंबर दिसंबर 2022 में सरिया जो है उसकी कीमतों में काफी गिरावट हुई थी। वही नए साल की शुरुआत में ये रोजाना के आधार पर बढ़ रही है। वही नए साल में सरिया सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी होने की भी आशंका जताई जा रही है, ये भी सच साबित हो रही है। वही हाउस कंस्ट्रक्शन का खर्च यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। वह घर बनवाने पर आने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा इनमें इस्तेमाल होने वाला सरिया का होता है। वही 2023 के शुरुआती 12 दिनों में सरिया के दाम 3 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। वही अब 7 दिनों के भीतर इसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। वही शहरों के हिसाब से कीमतें 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक यहाँ पर बढ़ गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी देखिए, हरियाणा के किसान कर सकेंगे बिजनेस शुरू। सरकार दे रही है 1,60,000 रुपए तक की सहायता। हरियाणा में रहने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल हरियाणा में अब बिजनेस की शुरुआत कर मोटी कमाई अब आप कर पाएंगे। दरअसल अच्छी बात यह है कि बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार किसानों को पैसे दे रही है। दरअसल हरियाणा सरकार की ओर से पशुपालन की आय को बढ़ाने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। वही सरकार किसान भाइयों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई है। इस योजना के तहत किसानों को पशुपालन के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। वही योजना का लाभ उठाकर किसान गाय भैंस बकरी या फिर सूकर या फिर मुर्गा पालन जो है वो कर सकते हैं। वही पशु क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को न्यूनतम 60,000 रुपये अधिकतम 3 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। इसमें गाय के लिए 4,783, भैंस के लिए 60,000 रुपये और भेड़ बकरी के लिए 4,063 रुपये और सूर के लिए 16,327 और मुर्गी के लिए 720 रुपये की रकम दी जाती है। वही योजना के तहत 60,000 रुपये का लोन बिना किसी गारंटी के यहाँ पर मिलता है, लेकिन निर्धारित राशि के अधिक या क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जमीन के कागजात जमा करवाने होंगे। वही योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी बैंक शाखा से आप संपर्क कर सकते हैं।